Hello students, welcome to all in this video class. I will start a new chapter, matrix. First of all, we know what is a matrix. मान लिया जाए कि A, B, C, D, A, B, C, D मान कि ए बी सी डी चार नंबर है, बी है और चार नंबर ए बी सी डी चार नंबर है, ऐसा भी हो सकता है ये संख्याएं रियल हो या इमेजिनरी हो। अब इन चारों संख्याओं को क्या कह रहा कि अरेंज किया जाए, मान लिया जाए कि कोई लड़का इसे अरेंज किया ए बी सी। अगर लड़का इसको ऐसे अरेंज कर दे ए बी सी डी, अगर एक लड़का ऐसा किया इसको अरेंज किया ऐसा ए बी सी डी है, ए बी सी डी लेकिन क्या देखा, यहाँ पर ही मिडिल ब्रैकेट में है, यहाँ पर ही मॉड में है, यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट के अनुसार इसके नाम बदल जाएंगे। यदि ऐसा रहे तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि यह एक सेट है और अंदर वाले को इस सेट का एलिमेंट कहेंगे। क्या चीज है यह, इसको कहेंगे दिस इज ए सेट, यह एक सेट है और अंदर वाले को इसका एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट्स आर ए बी सी और यही ऐसा हो गया, इसका नाम डिटरमिनेंट होगा, दिस इज ए डिटरमिनेंट। एलिमेंट्स आर ए बी सी, लेकिन यदि ऐसा रहा तो यही हो गया, क्या हो गया, दिस इज ए मैट्रिक्स, यह एक मैट्रिक्स है, दिस इज ए मैट्रिक्स। देख लिए यदि मिडिल ब्रैकेट है यह एक सेट हो गया, यदि यह मॉड के चिन्ह है यह डिटरमिनेंट हो गया, यदि बड़ी ब्रैकेट है नाम मैट्रिक्स हो गया। यह निर्भर करता है सिंबल पर, तो क्या कहेंगे, क्या डिफिनेशन दोगे इसका, भाग मैट्रिक्स किसको कहते हैं, भाग डेफिनेशन ए बी सी डी बी द फोर नंबर रियल या इमेजिनरी,
देन ए रेक्टेंगुलर अरे, अरे मीन्स सजावट, इसी से बना है अरेंजमेंट। देन ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ दी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी called a matrix denoted by capital letters. Okay, फिर से लिख लीजिए क्या कहेंगे भाई, लेट ए बी सी डी बी द फोर नंबर्स रियल या इमेजिनरी, देन ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ऐसा, क्या कहलाता जी, मैट्रिक्स कहलाएगा और जिसे इंडिकेट करेंगे कैपिटल लेटर्स के द्वारा, कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट करें। और वही हमने बताया कि यदि ऐसा रहेगा तो सेट होगा, मोड में रहेगा डिटरमिनेंट होगा, कैपिटल लेटर में रहेगा तो मैट्रिक्स होगा। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रो से आप क्या समझते हैं, जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स हो ए, एलिमेंट हो ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ ऐसा हो तो ऐसा सिर्फ और रो कहें, ए हो गया आपको फर्स्ट रो, ए हो गया सेकेंड रो, क्या कहने बात कि जिस मैट्रिक्स है टू रो, यदि मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स ऐसा होता जिसके एलिमेंट होता है ए बी सी डी ई, बोलो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स है थ्री रो, क्या कहेंगे डिफिनेशन था, कहेंगे द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी अभी देखा ऐसा ऐसी को जो पहला रो दूसरा रो, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो पूछे कोई इसमें की कॉलम्स के बाबा, तो कहेंगे कि जिस मैट्रिक्स है थ्री कॉलम्स, और इसमें कहेगा कॉलम्स कितने होंगे भाई, फर्स्ट सेकेंड
दिस मैट्रिक्स है थ्री कॉलम्स, इसमें हो गया टू कॉलम्स। क्या डिफिनेशन देंगे? इज अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लिया जा कि यदि एक मैट्रिक्स वाइज आले ए इक्वल टू ए बी सी डी क्या देखा? चूंकि नंबर ऑफ रोज बराबर टू, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू थ्री, रोज टू है कॉलम थ्री है, इसीलिए इट्स ऑर्डर इक्वल टू टू इंटू थ्री, नॉट थ्री गुने टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू सिक्स। और इसका लिख देंगे यहां पर बगल में टू इंटू थ्री। इसी तरह से मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स ऐसा होता ए बी सी डी ई, क्या लिख देंगे जी? रो है थ्री, कॉलम है टू, इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री इंटू टू, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू टू, इसलिए ऑर्डर बराबर थ्री गुने टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर सिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर सिक्स। क्या कर देंगे डिफिनेशन? इफ ए मैट्रिक्स है एम रोज एंड एन कॉलम्स, यदि किसी मैट्रिक्स में रो हो एम कॉलम हो एन, देन एम गुणे एन इज ऑड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द देख लीजिए क्या लिखा कि यदि किसी मैट्रिक्स में एम रो हो एम कॉलम्स हो तो एम गुणे एन को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल में देख लो, इसमें दो रो हैं फर्स्ट सेकंड, दो रो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री कॉलम्स हैं, ऑर्डर हो गए इससे दो गुणे तीन नौ, तीन गुणे दो। इसी प्रकार एलिमेंट्स जो गुना करके आएगा सिक्स, उसी प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रोज है थर्ड कॉलम्स है टू, ऑर्डर हो गया तीन गुने दो, और यहां पर लिख दिया तीन गुने। मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स, अब इसका पोजीशन देखें, फाइव कहाँ आई? फर्स्ट रो में, इसका नाम रहेगा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले रो का पोजीशन तब कॉलम का पोजीशन, तो फाइव का नाम रहेगा ए वन वन। सेवन, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम क्या है? सेकेंड,
नाम हो जाएगा एवेंट। नाम के बारे में सोचो, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा एवेंट। इसी तरह से देखो ए कहां आ गई थर्ड रो और कॉलम फर्स्ट, तो नाम ए थ्री वन, इसका नाम ए थ्री टू, इसका नाम ए थ्री थ्री। एट को क्या देख रहे हो, रो सेकेंड है कॉलम फर्स्ट है, तो नाम होगा इसका ए टू वन, ए टू वन। ए हो गया आपका ए टू टू और ए इसका नाम रहेगा ए टू थ्री, रो सेकेंड कॉलम थर्ड। इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स, तो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। अतः किसी एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स से 18 एलिमेंट्स हो तो ऑर्डर्स कितने होंगे, इसके ऑर्डर्स को लिखें एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या लिखें। चूंकि 18 कैन बी रिटर्न है, 18 को क्या लिख सकते हैं 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1, इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर्स आर, यही हो जाएगा 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 3, 18 × 1 एंड पॉसिबल मैट्रिसेस आर, ये लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन रहा कि इफ ए मैट्रिक्स है थर्टीन एलिमेंट्स देन राइट इट्स ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। ऑर्डर बराबर 13 को क्या लिख सकते हैं 1 × 13, 13 × 1, 1 × 13, 13 × 1 और मैट्रिक्स 2 नंबर ऑफ मैट्रिसेस बराबर 2 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए
ऑर्डर 2 × 3 इफ ए आई जे इक्वल टू 3i + b हो गया 3i + j या 3i + 2j। देखो क्या करें, लेट आई मीन्स आई जहां लिखा है आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, आई मीन्स रो जे मीन्स कॉलम। कहता है कि रो क्या हो, दो हो तो क्या लिखेंगे बोलो, a11 a12 a13। क्योंकि कॉलम तीन चाहिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो दो क्या लिखेंगे जी, a21 a22 a23 हो गया, दो रो कॉलम तीन। अब जो भी लिखेंगे निकालेंगे वैल्यू गए इससे निकालेंगे, इसके अनुसार ये लिख दिया और उसके अनुसार निकालेंगे। चूंकि ए आई जे इक्वल टू 3i + 2j 1 1 रो 1 कॉलम 1 1 1 क्या हो जाएगा 5 a12 माने i1 हो गया जी, j2 हो गया, a12 3 1 इतना 2 × 2 7 a13 3 × 6 6 × 3 9 a21 i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1 5 a22 क्या हो जाएगा जी, i भी 2 j भी 2 चार 3 × 6 2 × 4 a23 हो गया, सबका वैल्यू निकाल दिया इसी में, सब है उसी भर, आई के जगह पर 1 जे के जगह पर 1 1 1 देख लो i1 j2 कैलकुलेट कर दिया, i1 j3 या 1 3 2 1 भर दिया 2 1 2 2 2 3 हो गया, इसीलिए मैट्रिक्स ए बराबर वैल्यू भर दो a11 5 7 9 8 10 12 हो गया। अब हम लोग आज जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स या कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स दिए देखा, जिसमें हम लोग ने जाना कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपने देखा कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर, यह एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट का यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ये सब हम लोग देख लिया। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।